हेलो एवरीवन, होप कि आप लोग ये जेपीएससी का आंसर की अभी जो नया वाला आया है उसे आप अपना मार्क्स मैच कर लिए होंगे। और हम लोग का टारगेट रहेगा जेपीएससी मेंस को लेकर के, क्योंकि आपको जो है 2.5 मंथ ही मिलेंगे, अप्रोक्स 2.5 मंथ मिलेंगे जेपीएससी के मेंस के लिए। और आपको पता है कि जेपीएससी का मेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसको हम लोग को स्ट्रेटजिकली डेली टारगेट के अनुसार हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि 2.5 मंथ बहुत ही कम होता है किसी भी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, और ये जो 2.5 मंथ है हर किसी को इक्वल मिला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग का एक डेली टारगेट फॉलो करेंगे, और उसमें ऑलमोस्ट बहुत जल्दी, और हम लोग जो स्टार्टिंग में रहेगा वो थोड़ा स्मॉल टारगेट रहेगा, और जैसे जैसे एक समय नज़दीक आते रहेगा उसको हम लोग और तेज़ी से 1 सप्ताह के अंदर उसको और तेज़ी से बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अभी रिजल्ट तो लेट ही है आने में, अप्रोक्स ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि 10 अप्रैल के अंदर आ जाना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। तो हम लोग को शांत थोड़ी बैठना है, क्योंकि ये 10 दिन 15 दिन अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन हो जाता है, एक एक दिन, क्योंकि एक दिन में आपको 9 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि मतलब इसके लिए अगर आप एक तरह से डेडिकेटेड हैं, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ एस्पिरेंट कंफ्यूज होंगे कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे रिवाइज आंसर की आएगा तो उसके बाद कुछ पता चलेगा, और इससे जो अभी जेपीएससी ने आंसर की रिलीज किया उसमें किसी का मार्क्स बढ़ रहा होगा, किसी का थोड़ा सा कम हो जा रहा होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 115+ अगर जनरल का है तो उनको लग जाना चाहिए मेंस में। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे एक टारगेट रखा था, इसमें बताया था कि एक दो तरह के एस्पिरेंट होंगे, केवल और केवल एक जेपीएससी फोकस कर रहे होंगे, और केवल और एक कैटेगरी के होंगे जो यूपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जाम वाले होंगे। तो इसी में ध्यान में रखते हुए कि मैंने बताया था कि आपको आपको कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, वो एक वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसमें मेरा टारगेट रहेगा कि हम लोग को डेली टारगेट क्या रखना है, और इसी में आज हम लोग एक टारगेट फिक्स करेंगे कल के लिए। कल यानी कि आपको 28, ठीक है, 28 मार्च से ये स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो 28 मार्च से ये हम लोग का टारगेट रहेगा, और आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और डेली अपडेट कीजिएगा। हो सकता है तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा और उसमें एक शेयर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और अभी जो कन्फ्यूज होंगे उस रेंज में आ रहे होंगे उनको तो स्टार्ट ही कर देना चाहिए, ठीक है। और ये हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टारगेट, और इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे कि हम लोग का इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री जो भी रहेगा ये हम लोग थोड़ा सा टू द पॉइंट, टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, और ये हम लोग का रहेगा झारखंड और साथ ही साथ इंडिया का हिस्ट्री, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हम लोग कवर करेंगे, ताकि हम लोग को इधर उधर ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को शॉर्ट नोट्स बनाना होगा इसके, अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स वो हेल्प करता है कि आप बहुत जल्द उसको रिवाइज करके आप टू द पॉइंट लिख सकते हो बिना इधर उधर भटके। तो इस कारण से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक्स में भी हम लोग एक छोटा छोटा टारगेट लेकर के चलेंगे, और अभी आपको दिखाएंगे कि हम लोग किस तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को फॉलो करना है। सो चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस पे, और हम लोग का टारगेट क्या रहेगा उसको भी हम लोग मेंशन करेंगे आज का, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ हिस्ट्री में दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद। तो फ्रेंड, हम लोग जैसे कि अभी देख रहे थे कि हम लोग का जो टारगेट रहेगा इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री का, तो हम लोग आज देख लेते हैं पहले इकोनॉमिक्स में हम लोग को क्या करना होगा, और वो भी टू द हम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, और इसमें हम लोग दो टॉपिक लेकर के चलेंगे, ठीक है। और दो टॉपिक में है ये फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हम लोग का रहेगा इकोनॉमिक्स का। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ग्रुप ए है, इसको 4 सेक्शन में बांटा गया है, ABCD। तो ये बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग थोड़ा सा आसान से लेकर के चलेंगे, ठीक है। और इसका देखिए एक और चीज़ अभी अगर आप वेट कीजिएगा तो एक इसका बेनिफिट बताएंगे कि क्या किस तरह से है इसका, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहला रहेगा नेशनल इनकम, ठीक है। ये आप फर्स्ट सेक्शन देख पाएंगे जिसमें कि कुछ कंसेप्ट हैं, एलिमेंट्री कंसेप्ट हैं, एंड जैसे कि GDP, GNP, NDP, NNP, GSDP, ये सारे चीज़ जो टर्म हैं उसको हम लोग को अच्छे से डिफाइन करना, क्योंकि आपको पता है 2021 का ही बात करते हैं तो उसमें सीधे सीधे पूछ दिया गया था कि व्हाट इज नेशनल इनकम, ठीक है। और उसको जितने भी टर्म होते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको एक्सप्लेन करना है, और वो आपको 40 मार्क्स को देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग को टू द सिलेबस पढ़ाई करना। और एक और हम लोग का कल का टारगेट रहेगा इन्फ्लेशन और नेशनल इनकम, इसको हम लोग को दो टॉपिक को किसी भी हाल में कल कर लेना होगा, ठीक है। तो देखिए मैं अभी इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ आज 27
03 को, ठीक है, मे बी ये 28 हो जाएगा, ये रात में कर रहे हैं। अगर आप जब भी सुबह में देख रहे होंगे, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। इस जितने भी प्लेलिस्ट हैं वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि हाँ ये मेरे लिए बेनिफिटेड चैनल होगा। क्योंकि आपको क्या है ना कि आपको अभी जो टाइम बचा है उसमें आप एक तरह से बोला जाए कि आप पूरी तरह से कोचिंग करके प्रिपरेशन करो, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो जाता है। क्योंकि आपको इसी बीच में एक तरह से आंसर राइटिंग करना है, इसी बीच में नोट्स बनाना है, इसी बीच में पढ़ना भी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और आप इस लेवल पे आ चुके हो कि ऑनलाइन हेल्प ले करके आप इतना अंडरस्टैंडिंग है आपके पास कि उस चीज़ को समझ सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसी कारण से जो सेल्फ स्टडी होता है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है, तब जा करके ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, जितने भी टारगेट रहेगा, और इसको किसी भी हाल में पूरा करना होगा। तो यही चीज़ है। और इसमें एक है कि आपको एक ना मतलब एक आंसर आपको लिख करके पोस्ट करना है, वो क्वेश्चन भी मैं अपडेट कर दूंगा, और हम लोग क्वेश्चन अभी वो फॉलो करेंगे PYQ का, ठीक है, PYQ का फॉलो करेंगे। और जिसका भी वेस्ट रहेगा उससे आप कॉपी कर सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं एक दूसरे का। देखिए आंसर लिखना भी अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्टी और कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस वो चीज़ जो है जो हम लोग को वन डे से ही प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, कल से ही स्टार्ट कर देना होगा आंसर राइटिंग। तो एक एक क्वेश्चन तो इसमें मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे और इन्फ्लेशन, तो इसमें जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी टर्म होते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो सारा चीज़ का आपको उसको रिवाइज करना है अगर आप ऑलरेडी पढ़े हैं तो। और होप कि आप पढ़े भी होंगे और अच्छे से सारा चीज़ एक बार कवर किए होंगे, और एक तरह से इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है, उस तरह से लेकर के चलेंगे। तो ये हम लोग का टारगेट रहेगा इकोनॉमी का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्या टारगेट रहेगा। ये हम लोग का हो जाता है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक हम लोग का रहेगा नेशनल इनकम वाला टॉपिक, ठीक है, नेशनल इनकम। एंड नेक्स्ट रहेगा हम लोग का, अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी में ही, तो नेक्स्ट हम लोग का हो जाता है एक इन्फ्लेशन का टॉपिक, ठीक है, इन्फ्लेशन। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक तरह से ये अगर मेंस का हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोग का इंग्लिश मीडियम में रहेगा, और अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो आप इस टारगेट को पूरा फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैटर नहीं करता है ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश। आप अपना अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो किया जा रहा है, आप हिंदी में लिखिए बाकी इंग्लिश में करेंगे। तो इस कारण से ये जो है हम लोग का दो टॉपिक हो जाता है इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से हो जाता है नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन। इसको किसी भी हाल में हम लोग को 2803 के टारगेट में पूरा करना है, ठीक है। और ये जो टारगेट मिलता है ना, तो इससे थोड़ा सा हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, अपना क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है कि नहीं हम लोग को अच्छे से कंप्लीट करना है जो टारगेट दिया गया है। और इस तरह से हम लोग जो एक गोल होता है JPSC लेकर के और भी कोई भी एग्जाम लेकर के, तो उस गोल के नज़दीक हम लोग पहुँचने में एक तरह से बोल सकते हैं कि कारगर सिद्ध होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग इस हिस्ट्री में कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक रहेगा, और टू द सिलेबस हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम लोग देख लेते हैं, ये अभी तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का देख लिया, एंड नेक्स्ट है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड बी। ए हो जाता है आपका हिस्ट्री पूरी पूरे 100 मार्क्स का, एंड बी आपको देखने को मिलेगा जियोग्राफी, ठीक है, ये भी आपको 100 मार्क्स का पूरी तरह से देखने को मिलेगा। तो इसी में हम लोग जैसे कि बताया कि हम लोग का टारगेट रहेगा हिस्ट्री का, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशियंट पीरियड से, ठीक है। और आपको पता है कि एंशियंट पीरियड अगर हम लोग आर्ट एंड कल्चर का बात करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। जैसे एक बार आपको चोला से पूछ लेगा, ठीक है, गुप्ता से पूछ लेगा, पिछले बार चोला से पूछा था, हो सकता है गुप्ता से। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और आप ऑलरेडी पढ़े होंगे तो आपका ऑलरेडी नोट्स भी होगा कहीं ना कहीं, कोई भी UPSC PCS कोई भी अदर एग्जाम के लिए, तो वहाँ से नोट्स आपको होगा, JPSC का कर रहे होंगे तो नोट्स बनाए होंगे। तो इस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे डेली टारगेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड वही है, मैं इसमें बुक रिकमेंड कर सकता हूँ अगर इंग्लिश मीडियम से आप हैं तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप ले सकते हैं नितिन सिंघानिया का, ठीक है, या फिर अगर आप कोई भी ऐसे एक तरह से बोल सकते हैं तमिलनाडु बुक अगर कवर कर रहे होंगे तो, क्योंकि एक तरह से ट्रस्टेड और सबका द्वारा रिकमेंड किया जाता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें एक तरह से सारा चीज़ कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये दो टॉपिक कवर करना है, और इसमें हम लोग का रहेगा सबसे पहले अगर हम लोग एंशियंट का बात करते हैं, तो आप जैसा कि फर्स्ट से ही देख रहे हैं एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ओरिजिन ऑफ आर्यन, तो इसको हम लोग करना। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि कोई कोई आपको लगेगा कि इसमें तो मेंस नहीं लिखा जा सकता है, इससे मेंस का क्या बनेगा, लेकिन ये पूछा जाता है। और देखिए आपको बता दें कि इसमें पूछा जाता है, MCQ भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर MCQ में
करते हैं कवर, सही आंसर लिखते हैं, तो इसमें मार्क्स कटने का कोई डर नहीं रहता है। तो यहाँ से एमसीक्यू भी हर जो अगर मेंस का हम लोग बात करते हैं तो उसमें पूछा जाता है, तो हम लोग को यहाँ से बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। और इसको अच्छे से हम लोग को कवर करना पड़ेगा, तो ये भी हम लोग का दो टॉपिक रहेगा कल के लिए, यानी कि 28:03 के लिए। तो यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ओरिजिन ऑफ आर्यन, ये हमारा हो जाता है ये मेंस कल के लिए, कल का टारगेट में, ठीक है। तो हिस्ट्री में यहाँ से हो जाता है, आप समझ सकते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड सेकेंड हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड सेकेंड हो जाता है आपका ओरिजिन ऑफ आर्यन, ठीक है। आप कोई भी ऐसे बुक रेफर कर होंगे उसको, अगर आपको बुक रिकमेंड करना हो तो आप यहाँ से चाहिए तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा बुक हम लोग को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ आर्यन ये हम लोग को देखना है, और हम लोग टू द सिलेबस कवर करेंगे। और ये देखिए, आज मैं थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो को लाया हूँ, थोड़ा सा बड़ा वीडियो, क्योंकि मुझे इसमें बताना था कि आप किस रेंज में फॉलो कर रहे हैं, आपका माइंड माइंड में बहुत सारा डाउट होगा कि नहीं मुझे मेंस का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसी को लेकर के थोड़ा सा हम लोग को वीडियो बड़ा हो गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बस 5 से 7 मिनट में अपना डिस्कस कर लेंगे कि क्या पढ़ना है, और कल से हम लोग का एक थोड़ा सा स्मॉल शॉर्ट वीडियो रहेगा। और बाकी ये तो आप डेली अगर टारगेट फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, एंड देखते हैं कि हम लोग कितना अपने टारगेट को अचीव करते हैं, और एक तरह से हम लोग के लिए एक बोल सकते हैं कि अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल बन करके इस चीज़ को फॉलो करना होगा, तब जाकर के हम लोग बहुत कम समय अचीव कर लेंगे, ठीक है। और डेली हम लोग को 2 सब्जेक्ट लेकर चलना होगा। और देखिए, आज मैं ये बताया हूँ, और 2 दिन के बाद मैं इस हिस्ट्री में झारखंड का हिस्ट्री भी ऐड करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का दोनों साथ में चलता रहेगा। इकोनॉमिक्स कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद झारखंड का इकोनॉमिक्स, बजट, सर्वे, वो सारे चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है उससे भी हम लोग कवर करेंगे कहीं ना कहीं इस चीज़ को, ठीक है। सो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो डेली टारगेट है उसको हम लोग उसमें पोस्ट कर सके, ठीक है। सो लेट्स सी, एंड स्टिक टू योर डेली टारगेट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।